500 वर्षों से वही हमारी जो जमीन हमारी जन्मदाता है वही हमारी भूमि है जी। कोई माइन डॉक्टर नहीं है सरकारी, सीधे एक इंजेक्शन लगाया 500 रुपया दो उसको। मोहन्ना गांव में सरकारी है, सरकारी है साहब, हो नहीं समझे मिले जब गरीबों के 500 जेब में हो जब वो दवाई करेगा नहीं ना करेगा चाहे मर जाए कोई नहीं तो दवाई होगी नहीं दवाई ना होगी। अगर किसी गरीब जब मजबूर है उसके पास साधन नहीं है रात में हो गया कि सर यहाँ रहते हैं चलिए दवाई कर दीजिए तो बंदा वहाँ से हिल नहीं सकता जाए उसको टांग के लिए आया जाए अजय जैसे लिए आया जाए बोलता है यहाँ ही ले आओ भाई सरकारी एनम हो तुम्हारे पास दवाइयाँ मिल रही हैं शासन की कुछ तो करो आदिवासी हैं ऐसा दाम नहीं है आज है पैदा हुई है भाई उसी खेत से खाते पीते हमारे आगे कोई रोजगार नहीं है सब लोग जितने भी गरीब लोग हैं अनपढ़ का बार है हमारे कुआं ना बाउली ना कुछ है कुछ हमका होते जगह के पीछे हम डरे हैं तो वहाँ छड़ाई जात एक का सुविधा ना पीने का सुविधा और थोड़ी बहुत बनाए हैं जमीन वही का लाए लेते हैं हम कहाँ जाई समनिया पठार जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ से आए पुस्तैनी रूप से वहाँ आज 40-50 सालों से वहाँ वन आधारित है वनोपज पे चा चिरौंजी आमला इससे पूरा भरण पोषण कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं लेकिन वन विभाग द्वारा वहाँ इनको सबको हटा के और वहाँ बाड़ लगाई जा रही है तो ये भूखमरी की स्थिति में आ गए। परसमनिया पठार के आदिवासी निवासियों को शिक्षा चिकित्सा और बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना ही पड़ता है मगर अब उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन भी डेवलपमेंट के नाम पर छीनने का डर सता रहा है। इस मुद्दे को लेकर परसमनिया पठार से सटे गांवों के लोग गंभीर संघर्ष कर रहे हैं जहां आदिवासी किसान जो कई पीढ़ियों से अपनी जमीन में खेती कर रहे हैं अपनी जमीन को बचाने के लिए जूझ रहे हैं। ग्राम तिगरा फाटक के एक युवक ने आरोप लगाया कि उनकी जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है जबकि सरकार ने उन्हें पट्टा देने का आश्वासन दिया था। आदिवासी परिवारों से 1500 रुपये फीडिंग शुल्क वसूला गया है फिर भी उनकी आराजी डिजिटल रूप से अपडेट नहीं की गई है। इस बीच जंगल विभाग द्वारा उनकी जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। हम पंचायत तिगरा फाटक के आदिवासी समाज से हैं, कोल हैं। हमारी जंगल की भूमि में जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है और हम सोचते हैं कि आज पट्टा मिले कल पट्टा मिलेगा। बीड वार द्वारा पंचायत द्वारा मतलब हमारी जमीन को फील्डिंग किया गया था 1500 रुपये ही लोगों ने सूल लिए हैं बीड गार्ड। अब हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में दिखाओ कहाँ हमारा नक्शा है तो कह रहे हैं ये सिक्योरिटी ले गया वो सिक्योरिटी ले गया। अब जंगल विभाग वाले बोल रहे हैं कि दिखाओ हमको कुछ है अधिकार पत्र पाए हो कि नहीं पाए हम तो मतलब केस किए सबको हटा के वहाँ सब भगाया जा रहा है हम क्या करें वहाँ के निवासी हैं आदिवासी समाज से आते हैं। हम चाहे थे कि हमें जमीन मिले हमें पट्टा दिलाया जाए नहीं हमको तो कुछ आधार नहीं है वहाँ पर ना तो पानिए को उतनी दिक्कत ही हमको है वो तू आया है जे तू हमारे खेती में पर जाए या भगवान जे तचू जाए हैं ना हमारे कुआँ ना बाउली ना कुछ है कुछ हमका। जी सर मेरा नाम महेंद्र कोल धीरा पाठा ग्राम पंचायत का हूँ मैं ग्राम आदिवासी हूँ कोल जात की हूँ सर मैं हम सब गरीब लोग 80-90 लोग हैं सर वहाँ की जितनी भी जनजाति लोगों को भगाया जा रहा है सर अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है और करते ही जा रहा है। जैसे कि हमने माना कि हम शायद सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर से आदेश आएगा जब से कम से कम 10-20 साल से सोच रहे हैं कि हमारा भोपाल से आर्डर आएगा लेकिन कुछ नहीं आया। हमारी खाने पीने की व्यवस्था वहीं से होती थी हर चीज़ जो करते और क्या करेंगे भाई उसी खेत से खेती करते थे और खाते थे उसी पीते थे और शादी ब्याह सभी लोग अपना पाला पोषण उसी से किए हैं। मंगलवार को लगभग 80-90 आदिवासी कलेक्टर ऑफिस पहुँचे और ज्ञापन सौंपा जहाँ उन्हें समस्या के समाधान का आश्वासन मिला। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र दाहिया ने लोकल लिटीन को बताया कि पूरे उचहरा ब्लॉक में यही हालात हैं और सभी प्रभावित आदिवासियों का जीवन इस मुद्दे से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। मैं सुरेंद्र दाहिया हूँ आदिवासी साथियों के साथ काम करता हूँ श्रमजीवी संगठन आदिवासियों का। पूरे पठार के आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है परसमनिया पठार उचहरा ब्लॉक का पूरे पठार पे यही स्थिति है। हर गाँव पे करीब 100 से ज़्यादा परिवार इस पर प्रभावित। वन मित्र ऐप के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वन मित्र ऐप के तहत फीडिंग भी किया था और फीडिंग में इन लोगों के व्यक्तिगत दावे लगाए थे वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वो 2020 में लगाए थे लेकिन उन दावों का पता ही नहीं है कि दावा कहाँ है उस स्टेटस ही समझ में नहीं आ रहा जबकि निराकरण हो जाए तो समझ में आ जाए कि इनकी स्थितियाँ क्या है। दावा तो हो गए लेकिन दावा के बाद आज तक कुछ नहीं है और ये पूरे बंदों पर आधारित हैं चार चिरौंजी आमला ये सब इन्हीं पर पूरा करते हैं थोड़ी बहुत खेती भी करते हैं
अब इनके ऊपर जो फिर खेतों पे बाढ़ लगाई जा रही है, अब ये जाएंगे कहाँ? पलायन पे जाएंगे तो वहाँ भी बाहर यही स्थिति है। वो बाढ़ लगा के वो कैंपा के तहत उन्हें वहाँ बिगड़े वन सुधारना के नाम पे वहाँ प्लांटेशन किया जा रहा है। ये मांगे नहीं होती थी, उन्होंने मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग को, मानवाधिकार आयोग, उन्होंने पत्र भी बनाया है और पूरी की पूरी दस्तावेज वहाँ भी फीडिंग कर रहे हैं और आयोग को भी देंगे। आयोग के बाद भी जैसे भी आगे जो रणनीति बनेगी तो करेंगे। लोकल 18 के लिए शिवांग द्विवेदी की रिपोर्ट, सतना।